देखिए, SDM ऑफिस एलनाबाद में जो है सरकारी फीस का जमा ना कराने का जो मामला आया, और इसमें जो है हमारे DLC और MRC तीन क्लर्क्स इसमें जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो हमारी हुई है उसमें तीन क्लर्क्स जो है इसमें इन्वॉल्व बताए गए हैं। ये मामला ऐसा था कि SDM साहब के नोटिस में जो एक रसीद जब डेली बेसिस पे जो कलेक्शन होती है DL की या RC की, उसका जो जमा कराते बैंक में उसके एक रसीद थी, उसको रसीद के बेसिस पे उन्हें शक हुआ कि बैंक की मोहर नकली है। उसके बेसिस पर उन्होंने पिछले एक साल का जो है डेटा चेक करवाया कि कितना पैसा जो है सरकारी खाते में जमा हुआ है। उसके बेसिस पे करीबन 2 करोड़ 32 लाख रुपए जो है ये मिसमैच जो है अमाउंट पाई गई है। इसमें हमारे तीन जो क्लर्क हैं उनके खिलाफ़ जो है FIR जो है 26 तारीख को करवा दी गई थी, और इसमें तीनों को जो सस्पेंड जो है कर किया जा चुका है, और आगे हम जो है सभी SDM ऑफिस में पिछले एक साल के डेटा का चेक करने के लिए आदेश दिए हैं, और इसमें जो आगे कार्रवाई बनती है उसको अमल में लाएंगे। इसमें पता ऐसा हुआ कि जो रसीद डेली बेसिस पे जो DL या रजिस्ट्री क्लर्क जो होता है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क जो होता है, वो डेली बेसिस पे जो भी सरकारी फीस आती है उसको बैंक में जमा कराता है, वो रसीद जो है अपने रजिस्टर में चिपकाता है। समय समय पे इसका मिलान जो है ट्रेजरी, जो हमारा सरकारी खाता है ट्रेजरी के अकाउंट से होता है। एक ऐसी बैंक की रसीद जो है SDM साहब के नोटिस में आई, और उस पर जो है उनको मोहर जाली प्रतीत हुई। जब ये चेक कराएगा तो जाली वो मोहर पाई गई। इस बेसिस पे ही इस आधार पे ही एक साल का डेटा जो है चेक कराएगा, और जो है इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो सरकारी पैसा है वो बैंक में जमा नहीं हुआ है। आगे की जो कार्रवाई, इसमें SDM साहब ने खुद कंप्लेनेंट होके FIR दर्ज कराई है, और इन तीनों क्लर्क्स को भी सस्पेंड किया गया, और अभी सारे सब डिविजन्स में हमारे हम पिछले एक साल का जो है डेटा चेक करा रहे हैं कि कहीं पे जो है ऐसी कोई इशू तो नहीं है, और साथ ही साथ कोई जो हमारा ऐसा क्लर्क किसी इन सीट्स पे लंबे समय से था उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ और अगर लोग इसमें इन्वॉल्व है नहीं है उसकी भी अभी जाँच चल रही है, तो डिटेल इंक्वायरी एक बार आएगी, आने के बाद ही इस पर आगे कुछ कह सकते हैं।